मैं बहुत देर से नहीं, सभी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। अरे फायदा उठाइए इस मौके का, प्रभु जी के दरबार में आप लोगों को ऐसे ही योगी बनाया जाता है। भजन ध्यान पूजा कर लीजिए, आसन कर लीजिए, योगी बन गए, अपने दुखों का निवारण पा लीजिए। आसन कर लीजिए, ध्यान में आपके दुख ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं अपने दुखों को दूर करने के लिए। तो इसीलिए सभी लोग तालियों के साथ बोलेंगे, किसी को भी चुप नहीं होना है। हो योगी बने जाओ, एक बच्चे की पालन पोषण में सबसे बड़ी भूमिका एक माँ की होती है। एक माँ चाहे तो अपने बच्चों को योगी दयानंद स्वामी विवेकानंद, और एक माँ ही अपने बच्चों को चोर डकैत लुटेरे बनाता है। वेदों में एक मंत्र आया है, मातृवान पितृवान आचार्यवाणी पुष्योवे, अर्थात एक बच्चे की पालन पोषण में एक बच्चे की पहले गुरु माँ होती है, दूसरे पिता, तीसरे आचार्य। एक माँ हो एक मदालसा जिसने अपने बच्चों को यह मन सिखाता, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनों से संसार माया परवर जितोसी से, हे मेरे बच्चों तुम ब्रह्म में हो, ऐसा बोल उसे शक्तिवान बना दिया। एक माँ अपने बच्चे को लेकर पार्टी में जाता है, उस बच्चे को बाथरूम आता था, वो चिल्लाता था मुझे बाथरूम जाना, मुझे बाथरूम जाना। उसकी माँ को अपने सहेलियों के बीच बहुत अपमान महसूस होता था, उसने सिखा था बेटा जब भी बाथरूम जाना बोल दिया था हमें गाना गाना है। एक बार माँ दो दिन के लिए मायके चली गई, रात को बच्चा पापा पास सो रहा था, रात उसको बाथरूम लगता है, बोलता है पापा पापा गाना गाना है। पापा बोलते बेटा अभी नहीं गाते सुबह गाना। नहीं पापा अभी गाना है, जोर से गाना है। बच्चा जिद करने लगा, नहीं माना। पापा ने कहा ठीक है बेटा धीरे से मेरी कान में गाना है। बच्चे ने कान में काम कर दिया। एक नियम है, जब भी किसी को फांसी दी जाती है उसे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। एक माता पिता थे, उनका एक ही लड़का था, वो बहुत शरारत करता था। जब भी उसके पिता उसको धमकाते या डांटते थे वो अपनी माँ के पास जाके छिप जाता था, माँ उसका पक्ष लेती थी, बोलकर बच्चा समझ जाएगा। धीरे धीरे वह घर पे चोरी लग करने लगा। उसके पिता ने कलेजे में पत्थर रखकर उसे खूब मारा, खूब डांटा, ये सोचकर कि कहीं बड़ा होकर ये चोर डकैत लुटेरा ना बन जाए। एक दिन उस बच्चे से कत्ल हो गई, बच्चे को पुलिस ले गई, बच्चे से अंतिम इच्छा पूछी गई। उसने कहा मेरी माँ को बुला लो। उसकी माँ को बुलाया गया, माँ उसे पकड़ के रोने लगी, और लड़का बोला माँ रोती क्यों है, इधर अपने कान कर। जैसे ही माँ ने अपना कान किया, लड़के ने अपनी माँ की पूरी नाक खा लिया और पूरी चबा लिया। सबने कहा नीच कि तुमने क्या किया, अपनी माँ की नाक खा लिया और पूरी चबा लिया। लड़के ने कहा अगर उस दिन जब मैंने पहली बार चोरी की थी
मेरे पिता ने मुझे खूब मारा था, खूब डांटा था, ये सोचकर कि कहीं बड़ा होकर ये चोर डकैत लुटेरा ना बन जाए। अगर उस दिन ये मेरे पिता का बात काट कर मेरी साथी ना बनती तो ये दिन ना आता। इसलिए अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए, योग ध्यान के रास्ते पर चलना सिखाइए। जो माता पिता सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं। जब माता पिता इतना सिखा देते हैं आगे का मार्गदर्शन गुरु करते हैं। गुरु क्या करते हैं? गुरु से सबकी बात करते हैं, फिर बच्चा सो है बच्चा योगी बन जाता है। एक परिवार था वो अमृतसर में श्री प्रभु जी के चरणों में आते थे। वे माता पिता अपने बच्चे को साथ लेकर आए। उस बच्चे का नाम गुगू था। फिर माता पिता का आश्रम आना कम हो गया, वो अपने गृहस्थी के कार्य में व्यस्त हो गए। वह बच्चा रोज से प्रभु जी के चरणों में आता, प्रभु जी के पास बैठे लोगों का पैर छूता और आशीर्वाद देता। उसका यह नियम काफी दिनों तक चला। एक दिन श्री प्रभु जी के मन में लहरा अपने गले की माला उतार उसके गले में डाल दिया और बोले, ले गुगू बेटा ये माला पहन। गुगू ने माला पहन ली। माला का असर हुआ। गुगू को हर समय भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ खेलने कूदने लगे, खाने पीने लगे और सोने लगे। एक दिन गुगू माँ ने गुगू से कहा, बेटा हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दे। गुगू बोला, ऐसे दर्शन नहीं होते। तो गुगू की माँ ने प्रभु जी से कहा, प्रभु जी से कहो ना हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दे। कारा लल्ला तेरी माँ है, प्रभु जी पैसे नहीं देती। क्यों मुनिया पैसे क्यों नहीं देती? पैसे दे दे इसे। तो गुगू की माँ ने सिर्फ 10 पैसे दे दिए। माँ छत पर कपड़े सुखाने जा रही थी, छत पर कुर्सी रखी हुई थी। गुगू बोला, यही आएंगे भगवान श्री कृष्ण दर्शन कर लियो। जैसे ही माँ छत पर कपड़े सुखाने गई, भगवान श्री कृष्ण कुर्सी पर बांसुरी बजा रहे थे। माँ ने तो दर्शन कर लिया, उनके मन में क्या बात आई? मैंने तो दर्शन कर लिया, क्यों ना मैं अपने पति और पड़ोसियों को बुला लाऊं, वो भी दर्शन कर लेंगे। जैसी माँ नीचे गई और सबको बुलाकर ऊपर आई, भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। गुगू माँ ने गुगू से कहा, बेटा एक बार और दर्शन करा दे। गुगू बोला, 10 पैसे में एक ही बार होते हैं। गुगू माँ ने प्रभु जी से कहा, प्रभु जी से कहो ना एक बार और दर्शन करा दे। प्रभु बेटा तूने तो एक ही बार बोला था, उसने करा दिया। एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत मिलता है गोपी चंद जी। गोपी चंद जी अपने महल में नीचे स्नान कर रहे थे। दास दासी उसे स्नान कराने के लिए खड़ी थी, उनकी माँ ऊपर जाल में बैठे हुए थे। अचानक उनके शरीर में दो गर्म बूंद गिरते हैं, तो उन्होंने ऊपर देखा तो देखा कि उनकी माँ बैठी हुई है और उनकी आंख से आंसू आ रहे हैं। वो तुरंत दौड़ के उनके पास गए और पूछे, माँ तेरे आंख में आंसू क्या कारण है? माँ कोई तुझे दास दासी में तुझे कुछ कहा है या राज दरबार में तुझे कुछ कहा है? बता माँ, अभी मैं सब फांसी की सजा सुनाता हूँ। माँ ने कहा, मेरे आंख में आंसू के कारण बेटा कोई और नहीं तुम हो। माँ मैं कैसे? उनकी माँ ने कहा, आज जो तेरा हसपुस शरीर है वैसे शरीर मैंने तेरे बाबा का देखा, वैसे मैंने तेरे पिता का देखा और दोनों शरीर को शमशान में राख बनते हुए भी देखा। तेरा ये शरीर राख बनने से पहले कुछ तू बन ले, अपने आप को बना ले। गोपी चंद जी अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कहा, बोल माँ तेरी क्या आज्ञा है? माँ ने कहा, तेरा मामा आया हुआ है भरथरी जो पूर्ण योगी है, चल मैं ले चलूं तुझे उसके पास, वो तुझे अजर अमर योगी सिद्ध बना देगा। हमारे श्री महाराज अपने मुखारविंद से बताया करते थे, आज भी गोपी चंद जी अजर अमर योगी सिद्ध है। वो श्रद्धाएं करने वाले लोगों को दर्शन देते हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब है? एक माँ ने अपने बच्चे को क्या सिखाया? बेटा जब भी बाथरूम जाना बोल दिया कर, हमें गाना गाना है। एक माँ ने अपने बच्चे को क्या सिखाया? एक माँ ने अपने बच्चे को क्या सिखाया? अपनों से बड़ों का आदर सम्मान करना,
एक माँ ने अपने बच्चे को साथ लेकर उसे क्या किया, उसे एक दिन वासे तक पहुंचा दिया। एक नियम है, अभिवादन शील नित्यम मृत्यु से बिना चतवारे तस्ये वर्धन्ते आयुर्विद्यायुषो बलम्। अर्थात जो छोटे अपनों से बड़ों का आदर सम्मान करते हैं उनकी आयु विद्या यश और बल में वृद्धि होती है। एक बच्चे की पहले गुरु माँ होती है, दूसरे पिता, तीसरे आचार्य। यदि एक पिता अपने बच्चे को अच्छे से देखभाल करे, उसे ब्रह्मचर्य की शक्तियों से भर दे, तो उसे योगी गुरु मिलेंगे ही मिलेंगे, उसे सबके पास करेंगे ही करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो भी मतोधिका, कर्मेभ्यश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुना। इसलिए अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए, योग ध्यान के रास्ते पर चलना सिखाइए। आइए एक भजन के द्वारा प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हमको तेरा बड़ा लगा, इतना दर्द कि वो रोने लगी। छोटे बच्चे जैसे बिगड़ते हैं ना तड़पते दर्द से, वैसे दर्द करने लगे। हम लोगों ने गुरुजी से अर्जी लगाई, गुरुजी ने उन्हें फूल का प्रसाद दिया और मैंने अर्जी लगाई, गुरुजी प्लीज मम्मी को ठीक कर दीजिए। मम्मी शाम रामायण का पाठ कर रही थी, जैसे मानव चंद्र का दया का चक्कर आता है, वो अध्याय आता है, मम्मी का सडनली आंख बंद होता है। मम्मी क्या देखती है कि उनके पेट से कुछ काले काले पदार्थ गिरते हैं और तब से उनके पेट में दर्द गायब। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे ही मैं जो हूँ गुरुजी की कृपा से हूँ। मैं जब सोती थी रात को तो मुझे कोई मारता था, इतना मारता था कि मैं सुबह उठ के खून से लथपथ रहती थी। मैं बगल में मम्मी दीदी सोती थी, मैं उनको आवाज देती तो उन्हें सुनाई नहीं देता था। मम्मी गुरुजी को डेली फोन करती थी, अर्जी लगाती थी, मुझे अनुष्ठान में फोन नहीं उठाते थे। एक दिन मुझे अचानक से फोन करते हैं कि तुम्हारी छोटी बेटी का उससे बात करवा। मम्मी से भी उस दिन बात नहीं की, हमसे बात किए। जैसे मैंने हेलो प्रणाम किया, मुझे ने सिर्फ आशीर्वाद बोला है, मैं क्या देखती हूँ मेरे जितने शरीर की जख्म है सब गायब। और उस दिन के बाद आज तक मुझे कोई नहीं मारता, उस दिन के बाद मुझे कोई भी जख्म नहीं है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। कल से यहाँ पर बंद कर डम डम तो सेटला डम डम बंद करो डम डम सब थोड़ा सा ज्यादा मोबाइल बंद करो का समय है आनंद हो। इस समय एक अलग ग्रुप में बैठे हो, सिर्फ धाम में बैठे हो, है ना, भक्ति का धाम है ये। यहाँ भी टेंशन में करोगे तो फिर आगे क्या करोगे। यहाँ तो कम से कम मन को एकाग्र रखो, इसके लेकर जो बात समझ में आई होगी। कल से यहाँ पर श्री प्रभु जी कृपा में लीला है, उनकी बातें चल रही है, योग की बात चल रही है, कैसे गुरुदेव कृपा करते हैं। योग वो है जहां पर साइंस का समापन होता है,
वहां पर योग की शुरुआत होती है। स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे इदम तूते गुहितम प्रत्यक्ष मन सुई वे राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्षागम धर्म सुगम कर्तव्यम। ये अर्जुन ये ज्ञान विज्ञान सहित ये विद्या है, ये विद्याओं का राजा है योग। सारी जितने गोपनीयम है उन गोपनीयम का सबका राजा है योग। जो ये पवित्र है सबसे पवित्र है अति उत्तम में उत्तम है योग। जो इस योग मार्ग में लग जाया करता है वो संसार सागर से पार होता है, उसके पास भोग ऐश्वर्य सब साथ में रह करते हैं, ऐसा श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। आपने सब सब बातें सुनी यहाँ पर, ये इसके द्वारा व्रत के द्वारा शुभ्रा के द्वारा, ये कोई ऐसे नहीं बॉम्बे में आईटी कंपनी में मैनेजर है। अलीपुर में इस समय मैं दीक्षा दे रहा था, पूर्व जन्म का संस्कार कहते हैं ना, हर समय शुभ कर्म करो। शुभ कर्म क्यों करो, क्योंकि हमारे कर्म जो है इकट्ठे होते रहते हैं। दो प्रकार से कर्म का भुगतान होता है, दृष्ट जन्म संवेदनी कर्म और अदृष्ट जन्म संवेदनी कर्म। दृष्ट जन्म इस समय इस जन्म में जो हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं उनका अच्छे का भी और बुरे का भी फल मिलता है, और अदृष्ट जन्म जो पूर्व जन्म में करके आए हैं अच्छा भी और बुरा भी उनका फल भी अच्छे और बुरे का सामने मिलता है। तो ये तो अपनी बॉम्बे की लाइफ में मस्त थी, अपना जॉब करती थी, लेकिन परिवर्तन क्यों हुआ, पूर्व जन्म का इसका संस्कार उदय हुआ। अलीपुर में दीक्षा दे रहा था कई लोगों को, ये बोली सामने बैठी हुई थी, मैंने इससे पूछवाया बुलाया क्यों तुमको दीक्षा लेनी है, बोली हाँ लेनी है, और इसको मैंने दीक्षा दी और दीक्षा के बाद इसका पूरा का पूरा एकदम जीवन बदलता चला गया। सुंदर सुंदर भजन, इसने सुंदर सुंदर भजन बनाना, 4 बजे उठना, योगासन करना, ध्यान करना, और यही नहीं अपनी कंपनी में भी छा गई है, आगे बढ़ती गई धीरे धीरे, बढ़ते 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 अपना ध्यान साधना भी नियमित करती है और अपने काम भी करती है। तो ऐसे ही हम आगरा में थे, अभी डॉक्टर सुविधा है, होम्योपैथिक की डॉक्टर हैं, हम कई लोगों को उनकी दवाई वगैरह के बारे में बात करा दिया करते हैं, उनकी दवाई ले लो। तो डॉक्टर सुविधा का बेटा है, उसका नाम सुरेश है, जब वो 9th क्लास में था तो वो हमारे पास आने लग गई श्री माता जी के बाद, गाड़ी बहुत चलाती हैं, हमें गाड़ी चला के आश्रम दे जाती, मुझे कोई उत्सव वगैरह पे कोई भी काम होता और बड़े उससे चला के लेके वापस आती, तो उनको एक ही चिंता थी गुरुदेव मेरा बेटा सुरेश 9th में कॉन्वेंट में है, तो वो जो है ना प्रभु जी को मानता है ना आश्रम आने को कहती हूँ आता है साथ में, मेरी कोई बात नहीं प्रभु जी कृपा करेंगे सब हो जाएगा। प्रभु जी कृपा से एक बार आश्रम आया, उसका क्या हाल था, जब उसको छूते भी थे ना ऐसे कौन ही मार दिया करता था, जब ऐसी मम्मी उसके अंदर लेके आती थी उसके बाल कटते 9th क्लास के बच्चे के, तो आगरा के टॉप के बाबर के उसके बाल कटते थे, तो वो लाई उसको, मैं नहीं बदलेगा, तुम क्यों चिंता करती हो, तुम इतनी माँ की सेवा करी है, तुमने सुविधा इतनी तुम्हारी सेवा है, तुम्हारी इतनी निष्ठा है, वो अपने आप बदलने की चिंता मत करो। धीरे धीरे क्या हुआ, उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया। अरे मम्मी से कहता है एक दिन, मम्मी मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा लेनी है, मेरे बेटा अभी तो 9th क्लास में, अभी मैं गुरु जी से पूछूंगी। उसने मुझसे कहा मैंने कोई बात नहीं अगले साल दे देंगे, अभी उसको पढ़ाई कर ले। तो अगला साल आया और दीक्षा के लिए पीछे पड़ गया, कहता गुरु जी अगर दीक्षा नहीं देंगे तो कोई जगत गुरु वो साफा सा मानता है, टीवी पे आता है, यूट्यूब वगैरह पे, बोले मैं वहाँ दीक्षा ले लूंगा, मेरा ले लेंगे अच्छी बात है। मम्मी बोली गुरु जी ऐसा मत कहो, मेरा सारा जीवन बेकार हो जाएगा, वहाँ चला गया। तो हम एक बार प्रोग्राम से लौट रहे थे, आ रहे थे बाहर से, सुधा भी हमारे साथ प्रोग्राम में गई थी, और आगरा में भी कई बार वो आती रहती थी, कभी हमारी सब्जी बना, कभी कुछ ना, बहुत शुद्धि से हमारे नियमों का पालन करती है, तो फल तो मिलना ही था। तो क्या हुआ, उनको मैंने कहा अच्छा अपने बेटे को लाओ, आज दीक्षा दे दूंगा, अपना भटक ना जाए। मैं उसको दीक्षा दी, वो पढ़ाई 8-8 घंटे करता था, उसका नियम था, 8 घंटे पढ़ाई का फल क्या हुआ, उसका मन एकाग्र तो था ही। मैंने दीक्षा उसको दी, दीक्षा लेते ही उसका ध्यान लग गया, और ध्यान में काफी देर बैठा रहा, फिर उसके बाद वो उठा,
फिर मैंने कहा बेटा अपनी पढ़ाई भी करते हैं ना, जब ध्यान भी करते हैं ना, वो अपने आप बिना कहे देखो, तो मैं तो मैं कहना पड़ रहा है, वो बिना कहे सुबह उठने लग गया, एक घंटा आसन करने लग गया और दो घंटे जाप और ध्यान करने लग गया सुबह भी शाम भी। कोरोना काल आया उसके बाद उसका स्कूल बंद हुआ, फिर उस बच्चे ने पूरे कोरोना काल में अपने कमरे से बाहर नहीं झांका, ऐसा परिवर्तन उसमें हुआ। और जब ध्यान आध्यात्मिक पुस्तक लाना पढ़ाई करना, उसके ये हाल था, 9th क्लास का बच्चा बीए और एमए की पुस्तक पढ़ के खत्म कर दिया करता था। तो पढ़ता था, धीरे धीरे उसकी मम्मी बोली गुरुजी अब क्या हुआ, ये तो खाली ध्यान भजन में लग गया है, पढ़ाई का क्या हुआ, इसका भविष्य क्या हुआ, अपनी मम्मी से गए मुझसे गए, मैंने फिर तुम चिंता करने लग गई हो, अरे देखो तो प्रभु जी क्या कराएंगे आगे। उसके 10th क्लास की पढ़ाई हुई, एग्जाम हुआ और उसके 96.8 उसके नंबर आए। मैंने कहा मम्मी से कहा बताओ, बोले हाँ गुरु जी तो कृपा है बहुत अच्छी बहुत कृपा है, ऐसे बोलने लगे। फिर उसके बाद अभी वो IIT की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ईयर में आ गया है, वो डमी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं ना, कुछ शहर से स्कूल में एडमिशन ले लिया कॉन्वेंट से निकल कर, और जो जप ध्यान कर रहा था अब जप ध्यान छोड़ के 15 घंटे पढ़ाई करता है। उसको रात को नींद नहीं आती थी, तो मम्मी से मुझे बुलवाया, उसने मम्मी एक बार गुरु जी को बुला लाओ, मुझे नींद रात को बहुत आती थी पढ़ाई नहीं हो पा रही ढंग से। वो बच्चा आया मेरे पास, शायद किसने बात भी की थी उनसे, है ना, उसकी मम्मी से बात की थी, एक तो IIT इंजीनियर है। तो वो बच्चा अब जो है वो मम्मी से मुझे बुलवाया, मैं घर गया हुआ उनके, तो बोला गुरु जी मुझे बहुत नींद आती है, पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही, मन एकाग्र नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आसन शुरू कर दे, और मैं उसको प्रसाद भी दे दिया, जो कुछ खा रहा था वहाँ पे हमने खिलाया था, मैं उसको उसी में दे दिया। प्रभु जी के बाद उसने अब रात को भी नींद पे अपनी काफ़ी विजय प्राप्त कर ली, और 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहा है। कोई पेपर होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, KVI, वो पेपर की तैयारी कर रहा है, और क्या कहता है मालूम है, वो पेपर तो मेरी मुट्ठी में, इतना कॉन्फिडेंस है, पेपर तो मेरी मुट्ठी में है, वो मैं करूँगा ही करूँगा प्रभु जी के पास है, और पढ़ाई में लगा हुआ है तू। तो कैसी कृपाएं उनकी प्रभु जी की हैं। अभी अभी की बात है, उसकी मम्मी, ये कोरोना काल की बात है, उनकी मम्मी जो है वो हमारे श्री महाराज जी योगीराज चंद्रमोहन जी महाराज से दीक्षित थी और बहुत सेवा करती थी। उन महाराज जी ने उनकी अपनी सेवा में ले रखा था, अंतरंग महिलाओं में से ही, वो रसोई बनाना गुरुदेव जी की, और 3 उठ के सेवा करना, बर्तन मांजना, गुरुदेव की सेवा किया करती थी। तो उसके बाद वो पहले सुविधा के पास थी इनके पास, फिर सुविधा के हस्बैंड आकाश कंपनी में प्रबंधक हैं, तो वो अभी वहाँ पर रायपुर के बाद बिलाई है, वहाँ पर आकाश कोचिंग में है, कोचिंग में। तो क्या हुआ कि अभी डॉक्टर सुविधा की सास जो थी अपने देवर के पास रहने चली गई थी, कुछ कारण से उनके पास से चली गई थी। हम कहीं भी प्रोग्राम में जाते हैं सुविधा कोशिश करती है अधिक से अधिक आने के लिए, अभी पटना में भी आई थी इनके यहाँ भी 2 के लिए, फिर मुजफ्फरपुर भी रही थी 4 दिन, अभी फिर रात को 10 से चली गई वापस आगरा कल। तो वो सुविधा जो थी, हमने कहा सुविधा हमको अलीपुर चलना है, तुम चलोगी? बोले गुरु जी मैं चल तो पढ़ू, मेरे बेटे के पास कौन रहेगा, मेरी मम्मी रहती हैं, और मेरी मम्मी का मैंने फोन पे बात किया, उनको मम्मी को जो है श्वास का बीमारी हो रही है, बहुत तेज श्वास हो रही है, उनको श्वास का रोग था। तो मैंने कहा अच्छा ये बिघ्न आ रहा है तो वहाँ इसको तुम पार कर जाओ, मैंने यही कहा उनको। तो बोले गुरु जी ठीक है मम्मी से एक बार बात करती हूँ। मैंने कहा मुझे कैसे करूँ, मैं तो मम्मी को दवाई दो जाके अपनी होम्योपैथिक की, वो अपनी अच्छी डॉक्टर होम्योपैथिक की गुरुदेव की कृपा चल रही है। तो मैंने उनको कहा मम्मी को दवाई दो, उनने अपनी मम्मी को जाके दवाई दी होम्योपैथिक की, और वो दवाई देने के बाद वापस आ गई। उनने कहा गुरु जी मुश्किल लग रहा है, मम्मी का स्वास्थ्य बहुत तेज चल रहा था। मैंने कोई बात नहीं देखते हैं, उनकी मम्मी का फोन आता है सुविधा तुम जाने की तैयारी कर लो बेटा, हमारी श्वास में एकदम लाभ हो गया, हम आ रहे हैं, हम घर पर संभाल लेंगे 4 दिन, तुम अलीपुर जाओ। वो अलीपुर आ गई, अलीपुर हमारे साथ 3 दिन नहीं, फिर हम लोग अलीपुर का प्रोग्राम करके कुर्जी चंडीगढ़ के वापस आ गए, आगरा आ गए। जब आगरा आ गए तो उनने कहा गुरु जी मम्मी को मेरे देवर ने ये कह दिया है, थोड़ा देवर क्या है उनका दरबार में आया था, दीक्षा नहीं ली थी उसने, पर वो ज्योतिषी वगैरह के चक्कर में पड़ गया, ज्योतिष के और तंत्र मंत्र में भी पड़ गया, पर मम्मी का भी उसने मन डाइवर्ट कर लिया इस तरफ अपनी तरफ, प्रभु जी के जाए मम्मी का इस तरफ खिंच गया था। देखो सेवा कैसे काम आती है।
सविता लौट के आई मुझसे, बोली गुरु जी मेरे देवर ने ये कहा है मम्मी को फोन पे कि आप अनुपुर होके आई हैं, सबको छुआ होगा आपने, अब आप 15 दिन तक कोरोना टाइम कर देता हूँ आपको मैं, आप अपने भाभी के पास ही रहिए, मेरे पास मत आना। बहुत अच्छी बात है ये तो। मैं तुम अब एक काम करो, अपनी सास को प्रभु जी की राम रामायण प्रभु रामलाल लीला मृतम मैंने को पढ़ के सुनाओ और उनको खुश कर दो, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। तो उनने वो अपनी सास को रोक लिया और रोज रामायण पढ़ के सुनाती प्रभु जी की, एक पुराण रोज सुनाया करती थी। उनकी सास सुनती सुविधा तुम उनको बहुत रामायण सुना रही हो मन से, अगर मम्मी गुरु जी की आज्ञा है। वो उनको रामायण सुनाती रही और धीरे धीरे उनका मन क्या हुआ, प्रभु जी में भी लगने लग गया, उनके चरित्र सुने, उन चरित्रों में डूबने लग गई, मन उनमें डूबा और उसके बाद धीरे धीरे सुविधा के प्रति मन उनका बहुत अच्छा हो गया। सुविधा खूब उनको भोजन कराती बना बना के बढ़िया बढ़िया। अब सुविधा बीच बीच में हमारे आश्रम की सत्संग में शाम को आती थी, भजन भी बहुत अच्छे गाने लग गई, पहले भजन नहीं गाती थी वो, ये बैठी हुई थी और लोग भजन गा रहे थे, उदास मन से बैठी थी। सुविधा तुम भजन सुनाओ आज, गुरु जी हमें तो आता नहीं है, मैं सुनाओ तो सही आएगा प्रभु जी के पास है। तो उन्होंने एक भजन गाया, वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कर दे आप मैया मेरा नाम हो रहा है, ऐसा गाया कुछ। तो वो गाया फिर उसके बाद, लेकिन आज तक ऐसे तो भजन गाती हैं, अब उनके यूट्यूब पे देखो अभी वो हारमोनियम बजाने लगी, अपने आप भजन गाने लगी हारमोनियम पे, जो ये उनके कृपा शुरू हो गई प्रभु माता जी की, प्रभु जी की। तो क्या हुआ कि वो भजन भी गाने लग गई तो आने लगी हमारे पास। उनकी मम्मी ये सोचती थी बार बार कि ये बार बार गुरु जी के पास जाती है, भाई जी के पास जाती है, अब माँ जी है नहीं, अब क्या है ऐसा बार बार जाती रहती, चलो कोई बात नहीं जाने। तो उधर रामायण सुना रही उनको, रामायण सुना रही उनको, उधर उनका भोजन सुना रही, कुछ कुकश कर दिया। क्या हुआ उनकी मम्मी को देखो कैसे गुरुदेव कृपा करते हैं, उनकी मम्मी को क्या दिखाई दिया, 4 बजे वो उनका नियम था, वो सारा जीवन चारपाई पे ही सोई, पलंग पे कभी नहीं सोई गुरु जी के समय से ही, और वो 4 बजे उठी और ध्यान में बैठ गई। ध्यान में क्या देखती है उनकी मम्मी, मैं सामने खड़ा हूँ उनके आकर, खड़े खड़े लग रही है मैं प्रभु जी बन गया हूँ, फिर मैं बन गया हूँ प्रभु जी बन गया हूँ, और मैं उनसे कह रहा हूँ अरे सावित्री देवी ये चिमटा है ना हमारा, इसको धो ले तू, और ढंग से कपड़े से पहुंच शुद्ध कपड़े से। तो वो कपड़े से उन्होंने शुद्ध से चिमटा पहुंचा और मैंने कहा अब इसको पहुंचने के बाद अंदर मत रखना इसको, अब इसको तू बाहर रख दे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु जी की, प्रभु जी ने भी अपने रूप में दिखाया उनको तो मैं प्रभु जी हो गया, ये तो उनकी कृपा है, उनको कुछ संभालना था संभाल करनी थी, इसलिए मेरे अंदर अपना रूप दिखा दिया, वो किसी में दिखा दे। उनकी ये तो खेल है ना, उनके तो बहुत छोटी छोटी बात है उनके लिए। तो उनने मुझे प्रभु जी के रूप में दिखाया उनको और चिमटा बोले जहाँ ऊपर रख दे सावित्री देवी, ऐसे कहा। उस सुबह ही भागी सुविधा के पास, बहू के पास, सुविधा सुविधा आज हमने इस तरह का देखा है, तुम जल्दी जाओ इसका पूछ के आओ भाई जी से। वो आगरा आई मेरे पास, वहां क्या था ये सब लोग सफाई कर रहे थे कमरों की, तो रामनवमी का टाइम आने वाला था, तो मेरे पास ये अमृतसर लाया हुआ चिमटा रखा हुआ था, 4 साल तक बंद पड़ा था दीवार में। मैं इनसे बोला, इन लोगों ने कहा गुरु जी चिमटा साफ करके अंदर वापस रख दे, नहीं नहीं अब इसको बाहर रख दो, अब ये बाहर रहेगा। सुविधा आई मुझे सारी घटना सुनाई चिमटे वाली, गुरु जी से चिमटा मम्मी ने देखा प्रभु जी ने बाहर रखवा दिया, मैं देखो मैंने भी आज यहाँ उसको बाहर रखवा दिया। सतगुरुदेव भगवान की जय। फिर अब उनकी मम्मी मुझे फिर भैया जी गुरु जी कहने लग गई और मुझे कहती है बुलाओ गुरु जी को, बुला के लाओ और तुम जाओ अब मेरी जाओ गुरु जी के पास जाओ, देखो गुरु जी बहुत संकोची हैं बोलेंगे नहीं, तुम उनको जाओ ये खिलाओ आज ये बना के खिलाओ। दीपावली आई बोली जाओ जाओ गुरु जी आश्रम जाएंगे तुम भी जाओ, वहाँ मोमबत्ती लगाना खूब सेवा करना, देखो गुरु जी का भोजन पूरी कचौड़ी जो बनेगा तुम ही बनाना वो सेवा में लग गई। मैं कि उनके घर पहुँचा सुविधा के, अब उनकी मम्मी बैठी हुई थी, तो मैंने भजन गाया वहाँ पे आज सुबह जो गाया था, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, आओ मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। तो मैं एकदम मुँह से निकला कि मैं आया हूँ आज तुझे करने भव से पार, मैं आया हूँ आज तुझे करने भव से पार, और मैंने ऐसे हाथ बढ़ाया अपने एकदम मेरे हाथ में अपना हाथ दे दिया और बोली अहो भाग्य मेरे अहो भाग्य मेरे अहो भाग्य मेरे, ऐसे करके बोल दिया। और उसके बाद क्या हुआ जो मैं चाह रहा था, मुझसे कहती है भाई जी गुरु जी बोले गुरु जी देखिए मुझे प्रभु जी ने कैसी हीरा बंग दी है,
जो मुझे स्वयं रामायण पढ़ पढ़ के सुना रही है, अच्छे अच्छे भुगिंग मना खिला रही है, मेरा मन ही कर रहा है इसके पास से जाने को। हमने कहा भी चाह रहे थे सुविधा को बोली सुविधा जो गुरुजी है ना, अब मैं समझ क्या कर रहे हैं, वो एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। मुझे रामायण पढ़ाने वाले प्रभु जी की लगता है मेरा समय आ रहा है, और दूसरा तुमसे थोड़ा मुझे मन खिंचता तो तुमको प्रसन्न करा लिया, मुझसे तुम्हारे प्रति अच्छे भाव प्रसन्न हो गई, मैं ये काम हो गया। अब बोले लगता है ऐसा कुछ होने वाला है जरूर मेरे साथ आगे। और वो उनका चेहरा फिर तेज में चमक गया और खूब भयन ध्यान में लग गई, वापस प्रभु जी का मन लग गया उनका। गीता में कहा है ना, यम यम बापी स्मरण भावम त्यंते कलेवरम तम तम कौन भाव भाविता। अर्जुन मनुष्य अंत समय या चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, अंत में वैसा ही उसका जन्म हो जाता है। अंत काले च मामे वे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्याज मदभावम याति नास्तस संशय। अंत समय में जो मुझको याद करता हुआ शरीर छोड़ता है, मुझ में ले मुझ में डूबा हुआ शरीर छोड़ता है, वो मुझको ही प्राप्त होता है। और उस समय राम कृष्ण हनुमान की देवी का याद आते हैं, उस समय प्राण निकलते हैं, इतना तड़प होती तड़पता है इतना जीवात्मा हाय 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 करता है, उस समय कहा याद आएंगे। फिर प्रभु जी के बच्चे जब कोई जाता है तो उसको कृपा है, मैंने अक्सर अपने दरबार में देखी है, उसका अंत समय प्रभु जी का चिंतन बनी जाएगा। अब उन्हें सुविधा भैया तुम अपने घर छोड़ आओ, सुविधा उन्हें अपने घर छोड़ आई। और कोरोना काल में एक दिन वो ध्यान में बैठी हुई थी अपना सुबह सुबह 4 बजे, और बेटे ने आके उनको उठाया, उनके छोटे बेटे ने मम्मी मम्मी देखा तो मम्मी प्रभु जी के चरणों में चली गई, संस्कार कोरोना काल में हुआ। दूसरी घटना इनकी और घटी, इनकी मम्मी की इच्छा थी, उनकी एक बेटी और थी अंजू नाम है उसका है, वो वहां पर है इलाहाबाद में, कि अंजू भी दरबार में छोड़ जाए। वो हमारे माँ जी के पास कभी नहीं आई थी, उसके हस्बैंड MBA कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर है अंजू के इलाहाबाद में, क्या हुआ उनको हिचकी आना शुरू हो गई, इतनी हिचकी आई उनको, इतनी हिचकी आई रुके ही नहीं, 15-20 दिन हो गए रात दिन हिचकी आए। सब डॉक्टर को दिखा लिया उन्होंने, मेडिकल को भी दिखाया, मेडिसिन भी खाई अंग्रेजी होम्योपैथिक भी खाई आयुर्वेदिक खाई, कोई लाभ नहीं हुआ उनको। जब कोई लाभ नहीं, उन्होंने अपनी मम्मी से फोन किया, मम्मी ने कहा अच्छा बेटा तुम एक बार गुरु जी से बात कर लो भावना स्टेज पे आगरा से। तो उन्होंने कहा मम्मी हमने तो गुरु जी से बात नहीं करी, और गुरु जी कहेंगे काम पड़ा तो फोन कर रही है, तो सुविधा कि तुम हमारा काम कर दो, तुम्हें गुरु जी बहुत मानते हैं, तुम सेवाई बहुत करती हो, तो एक बार आगमा चली जाओ भावना स्टेज, हमारी गुरु से बात करा दो, हमारे पति की बात करा दो। वो वहां पर आई मेरे पास, सुविधा बोली गुरु जी इस टाइम में नंदोई है, उनको बहुत हिचकियाँ आ रही है, रुकी नहीं है, तो एक बार अभी सुविधा की दवाई भी खा चुके थे, वो एक बार आप मेरी नंद से बात कर लो, मैं लगाओ फोन, हमारा तो काम ही है ड्यूटी है, इधर पीछे हट जाएंगे ड्यूटी से, मैं लगाओ फोन। आती 11 बजे उनने फोन लगाया, मैंने बात की उनसे, मैंने बोलो अंजू बोली गुरु जी प्रणाम ये मेरे पत्नी है इनसे बात कर लो, मैंने बात की, मैंने बोलो उनका नाम अतुलेश है, अतुलेश बोली बोलो क्या बात है, तो बोले हिचकियाँ आ रही है रुक नहीं रही है, परेशान है सो नहीं पा रहे रात दिन। मैंने कहा अच्छा मैं दवाई खाई सुविधा की, बोले हाँ इनकी दवाई खाली सब दवाइयाँ खाली कोई लाभ नहीं हो रहा। मैंने कोई बात नहीं कल इनकी दवाई फिर खा लेना दोबारा फिर ले लो इनसे, और प्रभु जी प्रभु जी बोलो। मैंने कहा बोलो प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी बोलो, तो कहते प्रभु जी बोले, उसके बाद उनकी हिचकी बिल्कुल गायब हो गई। सतगुरुदेव भगवान की जय। ये बातें खुद सुना रही थी खड़ो का मुजफ्फरपुर में परसों, वो ये बता रही थी मतलब मुजफ्फरपुर में सर की वीडियो भी बनी है कि मतलब मैंने दवाई दी तो काम नहीं करी, और गुरु जी ने कहा इनकी दवाई खा लो तो वो दवाई भी काम कर गई। तो ऐसी कृपा श्री प्रभु जी योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज जिनके अब चरण शरण मिली है। अभी आप सुन रहे थे कि काम कोटी शंकराचार्य के पास मद्रास की रानी पद्मावती उनके स्वरूप को लेके गई और उनसे पूछा महाराज ये बताओ ये कौन है क्या है, तो क्या बोले प्रभु जी के लिए नारायण स्वयं 3 बार मस्तक से लगाए, वो आदमी लगाया जो हमारे दरबार का कभी कुछ जानता नहीं था लेकिन उनको पहचान गया आंख वाला था, और बोला रानी इनकी तो महिमा की इनका क्या वर्णन करूं, इस घर में इनकी तस्वीर विराजमान है तो उसके बारे में सुन ले, उस तस्वीर को हजारों को एक साथ मुक्ति देने की ताकत है। बस एक बार बताऊंगा इतना समाप्त करूंगा समय हो रहा है। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में हमारा आश्रम है, आश्री माँ जी कृपा है,
ये उन्हीं की कृपा जी का आशीर्वाद है कि हमारे हर आश्रम का एक बहुत बड़ा रूप बनता जा रहा है। ऋषिकेश में बहुत बड़ा दरबार बन गया, 15-20 कमरे बने, लिफ्ट लग रही है ना, हर तरह की व्यवस्था हो रही है, सब कमरों में अच्छी सी व्यवस्था हो रही है। हमारा अनुपुर में भी बहुत अच्छे पूरे VIP हिसाब से 3 फ्लैट बन गए, 6 कमरे के अपार्टमेंट सा बन गया पूरा, और बहुत बड़ा हॉल बन गया। अभी हम अभी प्रभु जी की कृपा से, हमने क्या उन्हीं की कृपा से हुआ है कि वहाँ के हमारे ट्रस्टियों ने जो गुरुदेव जी को जहाँ पर हम लोग स्नान कराते हैं उसके चारों तरफ की जगह अपने आप मिलती जा रही है, वो लेते जा रहे मिलती जा रही है। अब वो बहुत बड़ा एरिया बन जाएगा, अब वहाँ अच्छे अच्छे साधक साधिका को रखा करेंगे, साधना करने वाले ऊंची कोटि के होंगे है ना, उनको साधना कराएंगे ऊंची कोटि से, मतलब ये बीच में बात याद आ गई। सुविधा को ये था, मेरी मम्मी कोरोना काल में डेथ हुई है, अरे मम्मी कहाँ गई है, क्या हुआ, कि बंद कमरे में उनकी डेथ हो गई थी, कमरा बंद था, तो क्या हुआ हुआ, तो देखो गुरुदेव कैसे बताते हैं, और इनको रात को सो रही है 3 बजे तक उनकी भस्त्रिका चलने लग गई, भस्त्रिका समझ गए ऐसे लग गई। ये और लोग तो टीवी वाले तो आजकल के योगी राज तो कराते हैं, हमारे यहाँ स्वतः होती है। योग में क्या होता है, जितनी भी अंदर की साधना है जिनसे शरीर का शुद्धिकरण होता है, चाहे वो कुंभक हो, चाहे वो बंध हो, रेचक हो, पूरक हो, वो सब के सब भस्त्रिका हो, वो सब स्वतः होते हैं। और उन पर कंट्रोल भी करने वाले, आज तक सुना किसी ने कि प्रभु जी के दरबार का कोई बच्चा ध्यान करते हुए पागल हुआ हो? अभी आप लाइव देखो, लाइव लगी है आश्रमों में, लोग पागल होकर पड़े हुए हैं। कोई कहता है मैं यमराज हूँ, कोई कहता है मैं विष्णु विष्णु लोक से आया हूँ। उनकी साधना में ऊर्जा में इतना ऊर्जा भरी तो उसको सहन करने की शक्ति नहीं हुई, और जिसके पास बैठ के ऊर्जा का उन्होंने ध्यान किया साधना का, थोड़ा सूर्य के समान प्रकाश है कुंडलनी का, तो वो उस पर नियंत्रण नहीं कर पाए। तो कुरुक्षेत्र में हमारे में क्या बात कह रहा था मैं, अनुपुर वगैरह में, कुरुक्षेत्र वगैरह में हमारे जो आश्रम, क्या बात कह रहा था मैं, हाँ तो वहां सालों में साधक साधिका, तो प्रभु सुविधा की सास की बात, सुविधा की सास जो सुविधा बैठ सो रही थी बस्ते का देख चलने लगी, उसने देखू मेरी सास गई होगी कहाँ, क्या पता मन में उसके भाग था बहुत, तो क्या देखती है उसे एक आवाज आती है स्पष्ट बिल्कुल, सुविधा देखो हम यहाँ पर हैं। उन्हें देखा, देखो इस लोग को कहते हैं हिरण्य लोग, हम यहाँ पर हैं। एक बहुत दुख है हमें, हमें महाराज जी के समय सेवा करने की आदत थी, यहाँ हमें कोई सेवा नहीं मिल रही है, यहाँ हमें कोई सेवा नहीं मिल रही है। तो बोले हाँ, लेकिन देखो आज तुम्हारे कारण तुमने हमको हमें सुनाई प्रभु जी की, उनमें मन ले करा दिया, तुमको बार बार बेटा आशीर्वाद है, तुम्हारे कारण हमको इतना ऊंचा लोक मिला है, हिरण्य लोक। तुमने सुनोगे स्वर्ग लोक नरक लोक, उससे ऊपर कौन सा हिरण्य लोक, जिन लोगों की साधना में जो साधक भक्ति में और भक्ति में भी थोड़ी कमी रह जाती है उन्हें कहाँ भेज देते हैं, हिरण्य लोक भेज देते हैं, और वहां उनको जिस योगी की ड्यूटी लगती है वो उनको साधना करा के आगे बढ़ा के फिर दोबारा मोक्ष पद को दिला दिया करते हैं। पर तुम्हारे कारण मुझे हिरण्य लोक आज मिला है, तो ये बात उनकी बोली। तो ऐसे अनुपुर में वो बन रहा है, वहां पर ऋषिकेश में बन रहा है, सवाई में बन रहा है, हजार निर्माण कार्य चल रहे हैं, कमरे बन रहे हैं, साधिकाएं तैयार हो रहे हैं। तो मैं कहने का मतलब क्या है, श्री प्रभु जी योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज के दरबार से मैं बात करना चाह रहा था, आज भी श्री प्रभु जी के खाली चरणों का चिंतन करो, ध्यान करो है ना, या प्रभु जी बोलो दीक्षा दी है तो प्रभु जी कृपा होती है। तो इसलिए अब अपनी वाणी को विराम दूंगा, बस यही कहूंगा कि सब लोग योगी बनो, ऐसे उस बरसात के मच्छर की तरफ जीवन खत्म मत कर देना। तो देखा है बरसात में लाइट जलती है ना, एक मच्छर आते हैं ना बहुत सारे दौड़ के और सुबह उठ के क्या देखते हो, मच्छर सारे मरे हुए लाइन लगी रहती है। तो खाना पीना सोना ये सब भोग विलास में रहना ये सब हमारे जीवन का कार्य नहीं है। पति पत्नी एक मन रहकर एक विचार रहकर संतुष्ट हो भार्या भरता भारता भरे तदेव छे यस्मिन् ये पुनितम् सत्यम् तत् रोचते गिरम। क्या कहते हैं, जिस घर में पति से पत्नी के मन मिलाओ, पत्नी का पति से मन मिलाओ, और दोनों एक मन होकर एक विचार होकर अपने सारे काम करें, अच्छे अच्छे काम करें, सोच समझ के चले कि मनुष्य जन्म है, विवेक है, उनको बुद्धि अगर कैसे चलना चाहिए। भोग विलास में लिप्त रहेंगे, संसार कामों में लिप्त रहेंगे तो उनकी ऊर्जा नष्ट होती रहेगी। अगर ऊर्जा नष्ट हो रही है उस ऊर्जा को कहां डेवलप करने के लिए क्या किया प्रभु जी ने, क्या चलाया, योग ध्यान।
मंत्र जाप और ध्यान, मंत्र जाप और ध्यान। इसलिए सभी लोग जाप करो, ध्यान करो, अपने जीवन का अनमोल जीवन का सदुपयोग करो। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय।